और देख रहे हैं कि यहाँ पर चावल बनकर तैयार है और बहुत अच्छे से चावल बन गया है। यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से दोस्तों, आप बहुत आसानी तरीके से घर का चावल आप बना सकते हैं इस तरह से करके। और नींबू डालेंगे दोस्तों तो चावल जैसे रहता है, नींबू से बहुत सफ़ा हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों चावल बन गया है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों जो शाही पनीर हम बनाए थे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि भैया और दीदी खा रहे हैं दोनों बैठ के, बहुत बढ़िया भाभी ने बनाया दोस्तों और बहुत ही टेस्टी लग रहा है। आप लोग इसको जरूर ट्राई करें और उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। बहुत ही अच्छा बनाई है पनीर, आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे दे रहे दीदी हैं कि अभी खाने शुरू कर दिए हैं। अच्छी रेसिपी बनाती हैं, बहुत टेस्टी बनता है इनके हाथ का। मैंने आज भी खा रहा हूँ, कई बार मैंने खाया। फोटो खींच लीजिए। तो अब दोस्तों यहाँ पे देखिए सलाद भी हमने काट कर रख दिए हैं। अब भैया दीदी भैया खाना शुरू कर दिए हैं और दीदी अभी खा रही हैं। यहाँ पे बच्चों भी देख रहे हैं कि बच्चे भी खाने बैठ गए हैं। तो साक्षी देख रहे हैं कि खाना शुरू कर दिए, तो साक्षी सारा पूरी खत्म कर दी अपने प्लेट में का। फोटो खींचिए।